भाई के साथ जा रही छात्रा पर नींबू पहाड़ी के निकट डाला गया एसिड। बहन को बजाने के चक्कर में भाई की पीठ पूरी तरह से जली, छात्रा का आधा चेहरा भी जला। छात्रा के मौसा ने बताया किसी तरह की कोई भी दुश्मनी नहीं, दोनों का मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में चल रहा है उपचार। मौसा ने बताया पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में, पुलिस कर रही है छानबीन। सर यहाँ पर चौक थाना अंतर्गत जो भी एसिड डाला गया है, क्या कुछ उसका मामला है? इसका मामला ये है कि बेटी सवेरे घर से निकली, हमारी भतीजी है वो, और जैसे ही घर से निकली वैसे ही ये लोहिया पार्क के पास टेम्पो से उतरी। एक लड़का आया और उसने कुछ बात किया और बैग से अपने एक एसिड बोतल निकाली फेंका, तो जो लड़का इनके साथ आया हुआ था, मौसी का लड़का था वो, उसकी आज काउंसलिंग थी यहाँ पे। वो यहाँ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, शायद आपको मालूम होगा पिछले महीने मेडिकल कॉलेज, हाँ पिछले महीने एक लड़के ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था, जिसके चक्कर में इसको भी बुलाया गया था कि कहीं ये भी तो उसी दिमाग का नहीं है, तो इसलिए उसको जैसे ही उसने एसिड डाला तो लड़के ने काफ़ी कवर किया, उस लड़के की काफ़ी पीठ वगैरह जली हुई है और बेटी का चेहरा पूरा जला हुआ। उसका नाम हर्ष तिवारी है, इसका नाम खुशी तिवारी है, और फादर का नाम शरद तिवारी है और मदर का नाम सुधा तिवारी है। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, मैंने बात की थी पता लगा कोई अमन वर्मा है नाम लड़का शायद, ये अभी क्लियर नहीं आया है। क्या कोई पहली दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग चौपटिया दिलाराम बारादरी में रहते हैं। अच्छा, ये दोनों भाई बहन थे? हाँ, भाई बहन है, मौसी का लड़का भाई। आप उनके क्या हैं? हम तूफा हैं इसके। तो अभी क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन तो वैसे ही है, कोई खास नहीं है इसका, ये पूरा चेहरा जला हुआ, आँख बंद है, इलाज जारी है। इलाज जारी, हाँ पुलिस से सहायता ली, कार्रवाई कर रही है और इसमें काफी कार्रवाई राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने भी की है, क्योंकि दिल्ली में नहीं खुद आ जाते, उन्होंने ही बात करके उस लड़के को शायद अरेस्ट भी कराया। दोनों की उम्र क्या है? एक 21 से एक 20 है। लड़के की उम्र क्या है? लड़के की 20 है, लड़की की उम्र 21।